हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2016 में आई एक ड्रामा रोमांस मूवी को, जिसका नाम है द लेट ब्लूमर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम पीटर नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी उम्र 27 साल है। पीटर एक सेक्स थेरेपिस्ट है और ये उन लोगों का इलाज करता है जिन्हें सेक्स करने की चुल मची होती है। पीटर आज एक बेहद ही हॉट लड़की की थेरेपी शुरू करने वाला था, लेकिन ये लड़की यहाँ खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और ये पीटर को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है और ये पीटर से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहोगे। लड़की की बात सुनकर पीटर को जरा भी फर्क नहीं पड़ता और ये उसे अपनी एक बुक पढ़ने के लिए देता है जिसमें उसने लिखा था कि कैसे हम अपने अंदर की भावनाओं को बदलकर अपने आप को शांत करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। पीटर यहाँ पूरी तरह से सेक्स के खिलाफ था और ये दावा करता है कि आज तक कभी भी इसने सेक्स नहीं किया, क्योंकि पीटर का मानना था कि सेक्स हम सभी को अपने लाइफ के गोल से अलग कर देता है और सेक्स के बिना भी हम अपने लाइफ को बड़े ही अच्छे से जी सकते हैं। पीटर अपने घर पर आता है जहां पर इसके दो दोस्त इससे मिलने आते हैं, जिसमें एक का नाम रिच और दूसरे का नाम ल्यूक होता है। पीटर के ये दो दोस्त पीटर की तरह बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि ये सेक्स करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते थे। पीटर इनसे कहता है कि वो घर से बाहर जा रहा है क्योंकि इसके एक फ्रेंड मिशेल ने इसे अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया है, क्योंकि वो पीटर को कई तरह के डिशेस को खिलाने वाली थी। पीटर की बातों से हमें यहाँ पर पता चलता है कि पीटर मिशेल को अंदर ही अंदर लाइक करता है। पीटर मिशेल के घर पर आता है। मिशेल के घर पर आते ही पीटर चार्ली से मिलता है। चार्ली मिशेल का बॉयफ्रेंड है जिसे हमेशा अपने काम की ही फिक्र होती है। पीटर मिशेल से मिलता है जिसने कई तरह के डिशेस को लोगों के लिए बनाया था। पीटर थोड़ी थोड़ी सब डिशेस को चेक करता है और ये सभी डिश पीटर को काफी अच्छी लगती है, जिसकी वजह से पीटर मिशेल को एक रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए कहता है। मिशेल को पीटर का ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है। पार्टी खत्म होने के बाद पीटर अपने घर पर आता है, जहां हमें पता चलता है कि पीटर के डैड पीटर के नॉन सेक्सुअल होने की वजह से काफी परेशान हैं। ये पीटर की मॉम से कहते हैं कि अगर पीटर गे भी होता तो ठीक था, लेकिन वो किस तरह का लड़का है ये मुझे आज तक नहीं पता चला, क्योंकि उसे सेक्स की जरा भी चाह नहीं है। पीटर अपने ऑफिस में आता है, जहां पीटर की बॉस पीटर को बताती है कि उसने सेक्स के खिलाफ जिस बुक को लिखा था वो बुक काफी ज्यादा फेमस हो रही है, जिसकी वजह से पीटर को एक बड़े ही फेमस शो में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, जिसकी वजह से इनके क्लिनिक की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। पीटर जब अपने घर पर आता है तब ये चार्ली को मिशेल के घर के बाहर देखता है। पीटर को पता चलता है कि चार्ली और मिशेल का ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि चार्ली अपने काम में व्यस्त रहता था और ये मिशेल को टाइम नहीं दे पाता था। चार्ली को जाने के बाद पीटर मिशेल से मिलता है। मिशेल काफी सैड होती है और ये पीटर को गले लगाकर रोने लगती है। मिशेल पीटर से कहती है कि अब मैं एक सेफ बनने के लिए स्ट्रगल करूंगी और तुम मुझे ऐसा करने के लिए हमेशा ही कहते थे। पीटर भी यहाँ इसे कहता है कि हाँ, तुम्हें ये करना चाहिए। पीटर की बात से मिशेल काफी खुश होती है और ये पीटर को किस करने लगती है। पीटर सेक्स के खिलाफ था, इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी पीटर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और इसे ये अजीब लगता है, जिसकी वजह से ये मिशेल को सॉरी बोलकर यहाँ से निकल जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि पीटर को कभी कभी सिर दर्द भी हुआ करता है। अब ऐसा क्यों होता है ये आपको आगे मूवी में पता चलेगा। अगली सुबह रिच और ल्यूक पीटर के पास आते हैं और ये उसे अपने साथ बास्केटबॉल मैच खेलने के लिए लेकर जाते हैं। बास्केटबॉल मैच खेलते समय एक प्लेयर पीटर के बॉल पर बॉल मार देता है, जिसकी वजह से पीटर यहाँ पर बेहोश हो जाता है। रिच और ल्यूक जल्दी से पीटर को हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहाँ पर पीटर को फिर से सिर दर्द होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर पीटर के सिर का सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन करते हैं। डॉक्टर जब यहाँ पीटर के बॉल चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पीटर के पास बॉल नहीं बल्कि दो छोटे छोटे कंचे हैं, यानी कि इसके टेस्टिकल नॉर्मल साइज से काफी छोटे थे और इसी वजह से पीटर नॉन सेक्सुअल था। अगली सुबह रिपोर्ट आने पर डॉक्टर पीटर को बताते हैं कि तुम्हारे अंदर कई सालों से एक ट्यूमर है जिसने तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड को दबाकर रखा है, जिसकी वजह से तुम्हारे टेस्टिकल की ग्रोथ नहीं हुई और वो छोटे ही रह गए, और इसी वजह से तुम्हारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स नहीं बन रहे थे बल्कि तुम्हारा शरीर प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को बना रहा था। इसका मतलब ये था कि पीटर आज 27 साल का होने के बाद भी इसका नुल्लू खड़ा नहीं होता था और इसी वजह से आज तक कभी भी पीटर को सेक्स करने की इच्छा नहीं हुई और ये सेक्स के बारे में अलग अलग किताबों को लिखता गया। डॉक्टर पीटर से कहते हैं कि वो पीटर का ऑपरेशन करके उसके ट्यूमर को बाहर निकालेंगे, जिसके बाद पीटर अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर पीटर काफी खुश होता है, क्योंकि अभी तक पीटर को लग रहा था कि वो सेक्स ना करके
लोगों को बदल रहा है। डॉक्टर पीटर का ऑपरेशन करते हैं और पीटर का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और सभी लोग पीटर को उसकी नई जिंदगी में वेलकम करते हैं। हॉस्पिटल के बाद पीटर अपने पेरेंट्स के घर पर रुकता है ताकि ये जल्दी से ठीक हो सके। पीटर एडल्ट मैगजीन को देखकर अपने सोए हुए अरमानों को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कुछ भी असर नहीं पड़ता। अगले दिन इसके दोनों दोस्त इससे मिलने आते हैं और वो अपने साथ एक स्ट्रिपर को भी लेकर आते हैं ताकि ये लड़की पीटर के सोए हुए अरमानों को जगा दे। ये लड़की पीटर को काफी ज्यादा सेड्यूस करती है और ये अपने अंगों की तरंगों से पीटर को मजे लेने के लिए कहती है, लेकिन पीटर बेचारा खड़ा ही नहीं हो पाता। लेकिन उसके दोस्त ल्यूक का बाहर ही खड़ा हो जाता है। अंदर ये लड़की पीटर को खड़ा करने के चक्कर में बेचारी खुद ही बैठ जाती है। अगली सुबह पीटर जब सोकर उठता है तब ये नीचे आता है। पीटर को देखकर उसकी फैमिली खुश हो जाती है क्योंकि अब पीटर का नुन्नू स्टैंड हो चुका था। इसका मतलब कि अब पीटर छोटा बच्चा नहीं रहा। पीटर जल्दी से तैयार होकर अपनी लाइफ को शुरू से जीने के लिए घर से बाहर जाता है। पीटर जब अपने घर पर आता है तब ये देखता है कि इसका दोस्त ल्यूक एक लड़की से इंटीमेट हो रहा था। पीटर इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। पीटर देखता है कि इसका पेनिस अभी भी स्टैंड है, तो ये उसे बैंड करने के लिए जल्दी से टॉयलेट में जाकर मास्टरबेट करता है। पीटर अपनी नई जिंदगी में अपनी हवस को मिटाने के लिए दिन में कई बार मास्टरबेट करने लगता है। एक दिन मिशेल पीटर से मिलती है और कहती है कि ये एक कुकिंग चैलेंज में हिस्सा लेने जा रही है और अगर इसने उस चैलेंज को जीत लिया तो इसे लॉस एंजेलिस के एक बड़े रेस्टोरेंट में काम करने का मौका मिलेगा और ये वहाँ से अपने शेफ बनने की शुरुआत कर सकती है। इसलिए अब ये कुछ दिनों तक बाहर ही रहेगी। ये सुनकर पीटर को अंदर से तो काफी दुख होता है, लेकिन ये उसे दिखाने के लिए वो एकदम से खुश हो जाता है। पीटर जब ऑफिस आता है तब ये अपने एक पेशेंट से मिलता है। अपने पेशेंट की बात सुनकर पीटर को सेक्स की उत्तेजना होने लगती है, लेकिन इसे कुछ चिड़चिड़ापन भी होने लगता है। पीटर डॉक्टर के पास आता है और पूछता है कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और इसे सेक्स को लेकर इतनी उत्तेजना क्यों हो रही है। इस पर डॉक्टर इसे बताते हैं कि तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स 15 साल बाद बनना शुरू हुए हैं, इसलिए ये सब तुम्हारे शरीर में इतनी तेजी से हो रहा है। मतलब कि तुम्हारा तोप अब कहीं पर भी फायर होने के लिए तैयार है और तुम्हारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बनना देरी से शुरू हुआ है, इसलिए तुम्हारे अंदर कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे, जैसे आवाज भारी होना, चिड़चिड़ाहट होना, सेक्स की उत्तेजना जैसी समस्याएं। लेकिन तुम घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। शाम के टाइम पीटर मिशेल से बात करता है और उससे उसके कंपटीशन के बारे में पूछता है। मिशेल यहाँ किसी दूसरे के बारे में बात करती है जिसकी वजह से पीटर को थोड़ा जलन महसूस होती है। अगले दिन पीटर रेडियो पर अपना इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन इंटरव्यू के समय पीटर के आवाज में बदलाव आता है और ये इंटरव्यू पूरा नहीं कर पाता। शाम के टाइम पीटर अपने पेरेंट्स के पास आता है और इन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताता है। जिस तरह पीटर के डैड पीटर को प्यूबर्टी के बारे में अच्छे से समझाते हैं और कहते हैं कि इस उम्र में ये सब होना नॉर्मल है, लेकिन पीटर यहाँ अपने पेरेंट्स से झगड़ने लगता है और ये यहाँ से गुस्से में चला जाता है। पीटर को जाने के बाद हम देखते हैं कि उसके डैड इस झगड़े से जरा भी सेट नहीं है, बल्कि ये काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि हमने इस समय का 15 साल से इंतजार किया है। शाम के टाइम पीटर फिर से मिशेल से बात करता है और मिशेल दोबारा से किसी और के बारे में बात करती है, जिस पर पीटर गुस्सा हो जाता है और ये मिशेल को बातें सुनाकर कॉल कट कर देता है। अगली सुबह पीटर अपने दोस्तों से मिलता है, जहाँ रिच पीटर से कहता है कि मेरे दोस्त आने वाली 22 तारीख को क्या तुम मेरे बच्चों को मेरे घर पर बेबी सिटिंग कर सकते हो। पीटर कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब रिच उसे बताता है कि 22 तारीख को इसकी एनिवर्सरी है और उस दिन ये और उसकी वाइफ रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे। इसके बाद ये एक होटल में जाकर अंधाधुंध खून पसीना निकालेंगे, क्योंकि घर में बच्चे रहते हैं जिसकी वजह से हम घर पर ये सब नहीं कर पाते। पीटर रिच के बच्चों की बेबी सिटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे जैसे दिन बीत रहा था पीटर को सेक्स के प्रति काफी अट्रैक्शन होने लगती है। इसी वजह से पीटर का पड़ोसी जोश पीटर को टिंडर के जरिए लड़कियों से मिलने के लिए कहता है, क्योंकि वहां पर पीटर कई लड़कियों से मिलकर उनके साथ में सेक्स कर सकता है। पीटर इसके लिए तैयार हो जाता है। पीटर ये सब इसलिए करता है ताकि मिशेल को प्रपोज करने के बाद वो किसी दूसरी लड़की से इंटीमेट नहीं होना चाहेगा, इसलिए ये प्रपोज से पहले ही कई सारी लड़कियों के साथ सेक्स करता है। एक दिन जब पीटर अपने घर पर आता है तब ये चार्ली को मिशेल के घर के बाहर देखता है। चार्ली यहाँ मिशेल को सॉरी बोलने आया था। पीटर चार्ली से कहता है कि मिशेल घर पर नहीं है, इसलिए तुम परेशान मत हो और ये फूल मेरे पास रख दो। मिशेल जब आएगी तो मैं उसे बता दूंगा कि तुमने ये उसे दिया है। चार्ली को पीटर पर यकीन था, इसलिए चार्ली ये फूल यहीं पर रखकर चला जाता है। इसी रात में मिशेल अपने कॉम्पिटिशन से
लौट कर आती है और ये इन फूलों के लिए पीटर को थैंक्स भी बोलती है। लेकिन पीटर मिशेल को ये नहीं बताता कि ये फूल चार्ली इसके लिए लेकर आया था। यहाँ पीटर मिशेल को डिनर के लिए पूछता है, इस पर मिशेल मान जाती है। अब इन दोनों का ये पहला डेट था, इसलिए पीटर अच्छे से तैयार होता है। पीटर तैयार हो रहा था कि तभी इसका दोस्त रिच इसे कॉल करता है और वो पीटर को अपने बच्चों की बेबी सिटिंग करने के लिए बुलाता है। लेकिन पीटर भूल गया था कि आज 22 तारीख है। पीटर रिच से कहता है कि सॉरी, आज मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं आज मिशेल को डेट पर लेकर जा रहा हूँ। इस पर रिच काफी गुस्सा हो जाता है और पीटर एक बच्चे की तरह रिच से झगड़ता है। इसके बाद पीटर मिशेल को एक फेमस रेस्टोरेंट में लेकर आता है। इस पर मिशेल काफी इम्प्रेस होती है क्योंकि इस रेस्टोरेंट में टेबल मिलना काफी मुश्किल होता है। पीटर यहाँ मिशेल के सामने एक बिगड़े हुए लड़के की तरह का व्यवहार करता है क्योंकि वो मिशेल को दिखाना चाह रहा था कि वो पहले का पीटर नहीं है बल्कि अब ये बदल चुका है। मिशेल को पीटर का ये व्यवहार काफी अजीब लगता है। ये दोनों डिनर शुरू करने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर रिच और इसकी वाइफ आ जाते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि जिस टेबल पर ये दोनों बैठे हैं उस टेबल को रिच ने अपनी और अपनी वाइफ के लिए बुक की थी। लेकिन पीटर ने उस रिजर्वेशन को चुरा लिया और यहाँ पर आ गया क्योंकि पीटर को लग रहा था कि रिच अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन रिच कहता है कि लास्ट समय पर ल्यूक मेरे बच्चों की बेबी सिटिंग करने के लिए आ गया क्योंकि वो पीटर की तरह एक धोखेबाज नहीं है। ये सारी बातें सुनकर मिशेल यहाँ से उठकर जाने लगती है। पीटर मिशेल को रोकता है लेकिन मिशेल उससे कहती है कि अभी कुछ देर पहले ही मुझे चार्ली का मैसेज मिला जिसमें उसने बताया था कि वो फूल तुमने नहीं बल्कि चार्ली ने वहाँ पर रखा था। मिशेल पीटर के ऊपर गुस्सा करके यहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम पीटर को इसकी एक पेशेंट के पास देखते हैं जो पीटर को अपने फैंटेसी के बारे में बताती है कि इसे सेक्स करना बहुत ही पसंद है क्योंकि अब पीटर का नुनू स्टैंड होने लगा था। तो पीटर इसकी बात सुनकर सेक्स के लिए तैयार हो जाता है और ये उसकी थेरेपी को छोड़कर इसके साथ संबंध बनाने की तैयारी में लग जाता है। पीटर पैंट निकालने ही वाला था कि तभी यहाँ पर पीटर की बॉस आ जाती है और वो पीटर को ऐसा करता देख लेती है जिसकी वजह से ये पीटर को इस जॉब से निकाल देती है। पीटर अपने अंदर के बदलाव को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था इसलिए ये काफी समय बाद अपने फादर से मिलता है और उनसे कुछ सलाह मांगता है। पीटर बताता है कि इसे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं मिल रहा है। इस पर इसके फादर इसे बताते हैं कि मर्दों के अंदर इस तरह का बदलाव प्यूबर्टी के दौरान होता है क्योंकि ये सब हार्मोन्स का किया धरा होता है। लेकिन हाँ, हमें अपनी गलतियों को मानना चाहिए क्योंकि एक असली मर्द बनना और मर्द बनने का दिखावा करने में बहुत ही फर्क होता है। पीटर कहता है कि वो कल के अपने इंटरव्यू में लोगों को क्या बताएगा जब ये खुद ही इसके लिए परेशान है और इसका खुद पर ही कंट्रोल नहीं है। पीटर के डैड कहते हैं कि तुम केवल वही बोलना जो तुम्हारा दिल करे। अगले दिन पीटर इंटरव्यू में अपने बुक को सबसे बेकार बुक बताता है और बताता है कि इसने 15 सालों से इन सभी चीजों का एक्सपीरियंस नहीं किया था, इसलिए अपनी इच्छाओं को दबाने से अच्छा है कि खुद को लोगों के सामने लेकर आओ। पीटर कहता है कि सेक्स हमारी जिंदगी का एक बेहद ही जरूरी हिस्सा है और हम सभी को इसका फायदा लेना चाहिए। पीटर की बात सुनकर यहाँ मौजूद सभी लोग पीटर के लिए ताली बजाते हैं। पीटर रिच के पास जाता है और ये उससे माफी मांगता है। रिच पीटर को माफ भी कर देता है। इसके बाद रिच और इसकी वाइफ पीटर को मिशेल के पास जाकर उसे सारी सच्चाई बताने के लिए कहती है और कहते हैं कि वो तुम्हें जरूर पसंद करेगी। इसके बाद पीटर रिच और ल्यूक के साथ मिशेल से मिलने आता है। मिशेल यहाँ चार्ली के साथ होती है। पीटर यहाँ सभी के सामने अपने ट्यूमर और लेट प्यूबर्टी की वजह से हुई मिस अंडरस्टैंडिंग के बारे में सब कुछ बता देता है। पीटर की बात सुनकर मिशेल को इस पर काफी ज्यादा प्यार आने लगता है और ये पीटर के पास आ जाती है और चार्ली बेचारा यहाँ से चुपचाप चला जाता है। मिशेल और पीटर एक साथ ही यहाँ पर किस भी करते हैं। लास्ट सीन में हम पीटर और मिशेल को एक साथ में देखते हैं। मिशेल अब प्रेग्नेंट थी। पीटर यहाँ टीनेज बच्चों को पढ़ा रहा था और अब पीटर ने प्यूबर्टी के ऊपर एक सेपरेट बुक भी लिखी थी और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।